नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिष आचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल भूरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। व्यक्ति को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसे कई मित्र पूछते हैं और जानकारी चाहते हैं कि व्यक्ति को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति भी सनातन धर्म को मानता है, हिंदू धर्म पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति को रुद्राक्ष या फिर तुलसी धारण अवश्य करना चाहिए। रुद्राक्ष के धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। जैसे तुलसी सदा पवित्र होती है, वैसे ही रुद्राक्ष सदा पवित्र होता है। हर व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति व्यापार में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं, आपके घर में वास्तु दोष बना रहता है, आपका व्यापार नहीं चल पाता है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप रोजगार की तलाश में हैं, आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आपके यहाँ संतान नहीं हो पा रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तो आप रुद्राक्ष धारण अवश्य करें। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता है। तुलसी और रुद्राक्ष हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में नौ रत्न बताए गए हैं, वह रत्न तो आपको अशुभ परिणाम दे सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष और तुलसी कभी भी आपको परेशानी नहीं पहुंचाते। तो आप एक बात ध्यान रखें, रुद्राक्ष और तुलसी हर हिंदू भाई को पहनना चाहिए। सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का दाना, तुलसी की माला या तुलसी का एक दाना हर व्यक्ति को अपने गले में धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं विभिन्न कामनाओं के लिए कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस ग्रह का कितने मुखी का रुद्राक्ष होता है और उस रुद्राक्ष का मंत्र क्या होता है और इसको कैसे धारण करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाते हैं, इसके बाद आपको किसी भी ग्रह से संबंधित आपको रत्न बताते हैं, अगर आप वह रत्न धारण करने में सक्षम नहीं हैं, जप करने में सक्षम नहीं है या जप कराने में सक्षम नहीं है, तो आप मात्र उस ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष धारण कर लेंगे तो आपको उस ग्रह से संबंधित अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं राशि के अनुसार किस व्यक्ति को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है,
सूर्य का जो रुद्राक्ष होता है वह होता है एकमुखी, एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए सिंह राशि वाले व्यक्ति को। एकमुखी रुद्राक्ष के देवता होते हैं भगवान शंकर जी, और एकमुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है वह होता है ओम ह्रीम नमः। पुनः सुन लें, सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य का रुद्राक्ष होता है एकमुखी, और एकमुखी रुद्राक्ष के देवता होते हैं भगवान शंकर, और एकमुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है वह होता है ओम ह्रीम नमः। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का रुद्राक्ष होता है दोमुखी, और दोमुखी रुद्राक्ष के देवता होते हैं अर्धनारीश्वर, और मंत्र होता है ओम नमः। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मेष वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, मंगल का रुद्राक्ष होता है तीन मुखी, और तीन मुखी रुद्राक्ष का जो देवता होता है वह होते हैं अग्निदेव, और तीन मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है वह होता है ओम क्लीम नमः। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध मिथुन कन्या राशि का स्वामी होता है, बुध का जो रुद्राक्ष होता है वह होता है चार मुखी, इनके देवता होते हैं ब्रह्मा देव ब्रह्मा जी, और मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, गुरुदेव का रुद्राक्ष है पांचमुखी, और पांचमुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वह हैं कालाग्नि रुद्र, और पांचमुखी रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं वह है ओम ह्रीम नमः। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं, इनका रुद्राक्ष है छह मुखी, और छह मुखी रुद्राक्ष के देवता हैं कार्तिकेय, और छह मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वह है ओम ह्रीम हूम नमः। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, इनका रुद्राक्ष है सातमुखी, और सातमुखी रुद्राक्ष की देवता है वह है माता लक्ष्मी, और सातमुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वह है ओम हूम नमः। अब बात करते हैं राहु देव की। अगर आपके कुंडली में राहु देव किसी भी प्रकार से पीड़ित है, राहु की आपको महादशा या अंतदशा चल रही है, तब आप आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आठ मुखी रुद्राक्ष की जो देवता हैं वह हैं गणेश जी, और आठ मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वह है ओम हूम नमः। अब बात करते हैं केतु की। अगर आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, केतु आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, केतु के कारण आपको किसी न किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और नौ मुखी रुद्राक्ष जो देवता हैं माँ दुर्गा, और नौ मुखी रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं ओम वह हैं ओम ह्रीम हूम नमः। अब बात करते हैं दस मुखी रुद्राक्ष की। अगर आपके करियर में परेशानी आ रही है, आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, आपको भूत प्रेत बाधा है, या आपके घर में वास्तु दोष है, आपकी दुकान में वास्तु दोष है, तो उसके लिए आप दस मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और दस मुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वह हैं विष्णु जी, और इनका मंत्र ओम ह्रीम नमः। अब बात करते हैं ग्यारह मुखी। तो ग्यारह मुखी रुद्राक्ष कर्क राशि का होता है, और कर्क राशि का चंद्रमा स्वामी चंद्रमा होता है। अगर आपकी शादी में विलम्ब हो रहा है, प्रेम विवाह आपका चल रहा है, प्रेम विवाह सक्सेस नहीं हो पा रहा है,
तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 11 मुखी रुद्राक्ष जो देवता होते हैं वो हैं शिव पार्वती जी, और इनका मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। तो मित्रों यह हैं ग्रह के अनुसार रुद्राक्ष। जो भी ग्रह आपका पीड़ित है तो उस ग्रह के अनुसार आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको निश्चित ही उस ग्रह से संबंधित शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप महंगे महंगे रत्न नहीं धारण कर सकते हैं और आप जप नहीं करवा सकते हैं तो आप रुद्राक्ष धारण करें तो निश्चित ही आपको ग्रह से संबंधित लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तब भी आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष को पहनने के लिए सबसे पहले तो अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे विद्वान से दिखवाएं। इसके बाद आप जानकारी करें आप कौन कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करें जिससे आपको लाभ हो सके। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिस ग्रह का भी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं उस ग्रह से संबंधित सबसे पहले तो आप मंत्र का जप कर लें। जो हमने मंत्र बताया है रुद्राक्ष धारण करने का, उस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लें, और जिस ग्रह के लिए आप रत्न रुद्राक्ष पहन रहे हैं उस ग्रह का भी 108 बार जप कर लें। इसके बाद वह रुद्राक्ष अपने गले में धारण करेंगे, आपको निश्चित ही लाभ होगा। रुद्राक्ष आप सुबह स्नान करने के बाद सूर्य उदय के पहले ही पहने तो अति उत्तम रहेगा। जिस ग्रह का रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं उसी दिन सूर्य उदय के पहले उठ करके स्नान ध्यान करके और जितने मुखी रुद्राक्ष आप धारण करना चाहते हैं उस रुद्राक्ष को गंगा जल में पंचामृत में स्नान करा करके, थोड़ा सा चंदन रूली लगा करके, उसकी पूजा करके, भगवान शंकर जी को प्रणाम करके, उस ग्रह की आराधना करके और जो रुद्राक्ष का मंत्र है उसकी माला जप करके उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आप निश्चित मानिए आपको रुद्राक्ष पहनने से बहुत ही लाभ होगा। तो मित्रों यह थी रुद्राक्ष से संबंधित कुछ जानकारी। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, नवग्रह यंत्र लेना चाहते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इनमें से कोई भी यंत्र लेना चाहते हैं, व्यापार यंत्र लेना चाहते हैं, संतान गोपाल का यंत्र लेना चाहते हैं, मृत्युंजय यंत्र लेना चाहते हैं, धन प्राप्ति के लिए यंत्र लेना चाहते हैं, कुबेर यंत्र लेना चाहते हैं, सर्वा बाधा निवारण यंत्र लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे यंत्र मंगा सकते हैं। यंत्र का शुल्क मात्र 2100 रुपये रखा गया है। मार्केट में ऐसे बहुत से यंत्र आते हैं जिसकी कीमत 5000, 11000, 21000 होती है। वह यंत्र आप मंगाते हैं तब भी आपको लाभ नहीं हो पाता है। हमारे पास मात्र 2100 रुपये में यंत्र उपलब्ध है। आप इसी यंत्र को धारण करेंगे तो मात्र 90 दिनों के भीतर ही आपको उसका लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो स्क्रीन पर यंत्र दिखाई दे रहे हैं, आप इसी प्रकार यंत्र बनाकर दिए जाएंगे। और मित्रों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सप्तवर्ग की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आपको 2100 रुपये शुल्क देना होगा। अगर आप पंचवर्ग की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आपको मात्र 1100 रुपया शुल्क देना होगा। जो हम कुंडली बनाएंगे उसमें आपके फलादेश के साथ साथ आपको उपाय भी बताएंगे, कौन से उपाय आपको किस ग्रह के करने हैं। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 300 रुपये का शुल्क देना होगा। आप वास्तु शांति कराना चाहते हैं, वास्तु मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, ग्रह बाधा शांति करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
तो मित्रों हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी जानकारी, जो भी हमारे द्वारा बताया गया उपाय आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम पुनः कोशिश करेंगे कि आपको उस उपाय संबंधित पुनः जानकारी प्राप्त करा सकें। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हमारे धर्मशास्त्र के जो उपाय बताए गए हैं उस उपाय को करके व्यक्ति अपनी समस्या से निदान पा सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट है, तो आप डॉक्टर के पास भी जाइए और साथ साथ में हमारे सनातन धर्म में बताए गए उपाय भी आप करते रहिए। तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।